Click on the subscribe button to never miss an update from Movie Mania channel. बाल हनुमान जी की बहुत सी कहानियां आप सबने सुन रखी हैं। किस तरह से उन्होंने वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजना के घर पवन देव की कृपा से जन्म लिया। फिर एक बार भूख लगने पर सूर्य देव को ही फल समझकर खाने चल पड़े थे और रास्ता रोकने पर उन्होंने राहु की पिटाई भी कर दी थी। उनको रोकने के लिए इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे वो मूर्छित होकर जमीन की तरफ गिरने लगे और पवन देव ने उनको बचाया। इंद्र से क्रोधित होकर पवन देव ने सारी सृष्टि की वायु को रोक दिया। बाद में सब देवताओं ने बाल हनुमान को बहुत सारे वरदान दिए, जिससे खुश होकर पवन देव ने वायु का प्रवाह दोबारा शुरू कर दिया। इतनी अधिक शक्ति मिलने पर बाल हनुमान जी और भी नटखट हो गए। वो हमेशा निर्बलों की रक्षा और दुष्टों की धुनाई करते थे। ये बात अलग है कि कभी-कभी बचपने की वजह से कुछ उल्टा-पुल्टा भी हो जाता था। आइए, अब आपको हनुमान जी के बचपन से जुड़ी ऐसी ही कुछ खट्टी मीठी रोचक कहानियां सुनाने नहीं, दिखाने के लिए उन्हीं के बचपन में लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले सब लोग मेरे साथ जोर से कहिए, बजरंग बली की जय। क्या हो रहा है? ये पक्षियों में भगदड़ कैसी? बेचारे पक्षियों को मार रहे हैं। अभी देखता हूं इन दुष्टों को। वरना बहुत पछताओगे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मार खा कर ही सुधरोगे। पेट मार खा खा कर। हनुमान, हनुमान कहाँ हो तुम बेटा? हनुमान प्रिय, क्या हुआ? इतनी व्याकुलता से किसे ढूंढ रही हो? देखिए ना स्वामी, ये हनुमान कितना नटखट हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। अरे वो अपने मित्रों के साथ यहीं कहीं पास में खेल रहा होगा। तुम तो बस ऐसे ही परेशान हो जाती हो। लेकिन स्वामी, उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, कुछ खाकर ही चला जाता। चिंता मत करो प्रिय, खाने के मामले में वो काफी तेज है। भूल गई क्या, जब उसे भूख लगी थी तो वो सूर्य देव को ही फल समझकर खाने चल पड़ा था। स्वामी आप भी ना। पिताजी ना देख ले। हनुमान, कहाँ से आ रहे हो तुम? उफ, पकड़ा गया। मैं तो कभी तो सीधे रास्ते से आया करो, हमेशा छलांगे लगाते हुए खिड़की से अंदर आते हो। किसी दिन चोट लग गई तो? बहुत नटखट हो गए हो। मालूम है तुम्हारी माँ कितनी परेशान थी? बताओ तो, कहाँ गए थे? स्वामी छोड़िए भी, आते ही शुरू हो गए। अरे भाई अब मैंने क्या किया? पहले उसे कुछ खाने तो दीजिए। आओ आओ बेटा, चलो कुछ खा लो। ये माँ बेटा भी ना, बहुत भूख लगी है ना बेटा? ये सारे फल और मिठाइयाँ मैंने तुम्हारे लिए ही तो रखी है। लो बेटा, ये लो। और लो, ये भी खा लो। खाओ, तुम्हारे लिए ही है। हाँ ये लो, ये भी लो। माँ, आप मेरा कितना ध्यान रखती हो। अब मैं अपने आप खा लूंगा, आप आराम कीजिए। कितना खाते हो तुम लोग? हाँ, हनुमान, कहाँ जा रहे हो? आज फल खाते खाते कहानी नहीं सुननी है क्या? नहीं, आज नहीं। आज तो हम एक बहुत ही जरूरी काम से आश्रम जा रहे हैं। आश्रम? वो क्यों? सुना है कुछ हाथियों ने वहाँ पर काफी आतंक मचाया है। क्यों? है ना? हाँ, 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 हाँ। अरे सुनो सुनो हनुमान, मेरी बात सुनो। देखो देखो हनुमान, तुम इन हाथियों और शेरों से मत खेला करो। माना कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी कहीं चोट लग गई तो? आप चिंता मत कीजिए, जहाँ हनुमान है वहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। ये शक्तिशाली हनुमान अपने नटखट बालपन से कहीं आश्रम के ऋषियों को क्रोधित न कर दे। मेरे मित्र को मारने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, अभी बताता हूँ तुम सबको। आप लेट गए, अभी बताता हूँ। अच्छा, अभी तुम मरने का नाटक कर रहे थे? ये लो। बल्ला बल्ला बल्ला। ये कहाँ गया? आजा। मित्र, तुम ठीक हो ना? हनुमान, तुम आ गए। लगता है ये हनुमान फिर से हाथियों और दूसरे जानवरों के साथ खेलने लग गया है, जिससे उनमें भगदड़ मच गई है। ये तो रोज का हो गया है। हनुमान इतना शक्तिशाली है, लेकिन उसे अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं होता और वो अपने नटखटपन में ये सब कर देता है। बजरंगबली, बचा लो मुझे। दुष्ट राक्षस, चले जाओ यहाँ से। चला राक्षस नुमा हाथियों, मैं तो तुमसे दोस्त बनकर खेलता हूँ और तुम ऋषियों की आश्रम तबाह करते हो, क्यों है ना? क्या हाँ हाँ डरपोक कहीं का, मैं हूँ ना। हाँ हाँ, जब हनुमान मित्र है तो डर कैसा। जय हो बजरंगबली। अरे ऋषिवर आ रहे हैं। हनुमान, ये आप क्या कर रहे हो? देखा, अभी सारा आश्रम तहस नहस हो जाता। नहीं हुआ ना ऋषिवर, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए आपका आश्रम एकदम सुरक्षित है। हनुमान, आप बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन क्या ऋषिवर, मैं तो आपका भला करने के लिए ही आया हूँ। अब हम यही रहकर आश्रम की सुरक्षा करेंगे, क्यों है ना? हाँ हाँ, एकदम सही है, और मीठा भी है। ऋषिवर, क्रोधित ना हो, ये सब हनुमान हमारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन हनुमान, आप अपनी शक्ति से परिचित नहीं हैं। बालपन की वजह से कई बार आप अधिक शक्ति का प्रयोग कर देते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। बचपन में बालपन के खेल नहीं खेलेंगे तो क्या आप जितने बड़े होकर खेलेंगे? चुप, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। ठीक है ऋषिवर, आप अपनी कुटिया में जाइए, मैं ध्यान रखूंगा। मैं आपको कैसे समझाऊं ऋषिवर, ये हाथियों के भेष में राक्षस हैं जो आपके आश्रम को तबाह करना चाहते हैं। हनुमान, सुना है इस ऋषि को कभी गुस्सा नहीं आता, ये सच है क्या? बिल्कुल, फिर भी अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो देख लेते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ सुबह सुबह आना पड़ेगा। चिंगारने की कोशिश मत करना, ऋषि की परीक्षा के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। मुझे स्नान इत्यादि करने जाना है और ये द्वार पर हाथी बैठा है, पिछले दरवाजे से जाता हूँ। यहाँ भी हाथी। अब क्या करें? हनुमान की शरारत है। हनुमान, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि देवताओं द्वारा दी हुई जिन दिव्य शक्तियों के बल पर तुम ये सब कर रहे हो, उन्हें तुम भूल जाओगे। अरे, ऋषिवर तो क्रोधित हो गए। ऋषिवर, आप दुखी ना हो। ये सब तो हनुमान जी के बालपन की क्रीड़ाएं हैं और त्रिदेवों का लिखा विधान है। आपके द्वारा दिए गए श्राप में भी भगवान की लीला है, क्योंकि जब तक हनुमान अपनी इन असीम शक्तियों को समझने लायक उम्र में नहीं पहुंच जाते, तब तक इनको सीमित करना ही ठीक है। हनुमान इन शक्तियों के बिना भी शिव का अंश होने के कारण सर्वशक्तिमान है। इस श्राप से उद्धार भी भगवान ने आपके द्वारा ही लिखा है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। मैं तो अपने क्रोध की अग्नि में ही जीवन भर जलता रहता। मैं इन्हें वरदान देता हूं कि जब भी कोई इन्हें इन शक्तियों की याद दिलाएगा, तो इन्हें ये शक्तियां याद आ जाएंगी। प्रिय, हफ्ते भर से हनुमान के नटखटपन की कोई शिकायत नहीं आई। लगता है हमारा बेटा काफी समझदार हो गया है। स्वामी, मुझे तो वही नटखट हनुमान चाहिए। देखिए तो, ये कितने दिनों से बाहर खेलने भी नहीं गया और इसी तरह उदास बैठा रहता है। बेटा हनुमान, इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हो? जाओ, अपने मित्रों के साथ खेल कर आओ। पिताजी, अब मैं खेलना नहीं, पढ़ना चाहता हूँ। सारी वेदों का ज्ञान पाना चाहता हूँ। ओहो, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। हनुमान जैसे शक्तिशाली और तीव्र बुद्धि के बच्चे को सिखाने के लिए तो किसी बहुत ही योग्य गुरु की आवश्यकता होगी। कौन हो सकते हैं ऐसे गुरु? लगता है आज दोनों पिता पुत्र यहाँ खुले में सूर्य की किरणों का आनंद उठा रहे हैं। सूर्य प्रिय, तुमने तो मेरी सारी समस्या ही हल कर दी। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं हनुमान के लिए एक योग्य गुरु की तलाश में था, और सूर्य देव से अच्छा और ज्ञानी गुरु तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। पिताजी, सूर्य देव? हाँ बेटा, लेकिन उनका शिष्य बनने के लिए तुम्हें स्वयं उनसे प्रार्थना करनी होगी। आप चिंता ना करें, अब तो सूर्य देव ही मुझे वेदों की शिक्षा देंगे। तीव्र गति से मेरी तरफ क्यों बढ़ा चला आ रहा है? कहीं पहले की तरह आज भी मुझे अपना भोजन समझकर खाने तो नहीं आ रहा है। प्रणाम सूर्यदेव। घबराइए नहीं, मैं तो आपको अपना गुरु बनाने आया हूँ। कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना ले। हनुमान, तुम तो पहले से ही बहुत ज्ञानी हो, तुम्हें गुरु की क्या आवश्यकता? और वैसे भी मैं तो हमेशा घूमता ही रहता हूँ, भला तुम्हें कैसे सिखा पाऊंगा? गुरुदेव, कुछ भी हो, अब तो आपको मैं अपना गुरु मान चुका हूँ। भले ही मुझे शिक्षा ग्रहण करने के लिए खड़े रहकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर ही क्यों ना लगाना पड़े। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं रुक नहीं सकता, इसलिए यदि तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी है तो मेरी तरफ मुंह करके उल्टे पैर चलना होगा। गुरुदेव, मुझे सब स्वीकार है, आप कृपया शुरू करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसी तरह हनुमान जी ने उल्टे चलते हुए सभी वेदों और उपनिषदों को याद कर लिया। सूर्यदेव उनसे बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारे जैसा बलशाली और बुद्धिमान शिष्य पाकर तो मैं धन्य हो गया हूँ हनुमान। तुमने तो एक ही बारी में मेरा सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। धन्यवाद गुरुदेव, लेकिन गुरु शिष्य की परंपरा के मुताबिक आप मुझसे कुछ गुरु दक्षिणा तो लें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हनुमान, तुम जैसा शिष्य पाना ही मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। गुरुदेव, गुरु दक्षिणा तो आपको लेनी ही होगी, नहीं तो मैं अपनी शिक्षा अधूरी समझूंगा। ठीक है, यदि तुम जिद करते हो तो मेरे पुत्र सुग्रीव के मंत्री बनकर हमेशा उनकी रक्षा करना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। जय महावीरा, जय हनुमाना, जय महावीरा, जय हनुमाना, जय महावीरा, जय हनुमाना, जय महावीरा। अरे ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है? प्रभु प्रभु, इन राक्षस नुमा मगरमच्छों ने इस पूरे इलाके में तबाही मचा रखी है। कभी भी किसी पर आक्रमण कर देते हैं तो कभी उनको उठाकर अपनी गुफा की भयंकर नहर में ले जाकर मार कर खा जाते हैं। लगता है इन राक्षसों के साथ इनकी गुफा में ही निपटना पड़ेगा। राक्षसों, क्यों असहाय लोगों और जानवरों को मारते हो? छोड़ दो इनको, नहीं तो तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि दोबारा कभी ऐसी हरकत करने के लायक ही नहीं रहोगे। जैसे दुष्ट दानव तो नजदीक भी नहीं फटकते। लो, हम सब तो तुम्हारे कितना नजदीक आ गए। करोगे नहीं? लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या कहा? तुम्हारी ये हिम्मत हमारी इस गुफा में आने के बाद कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता। अब तो तुम गए गए। देख क्या रहे हो, सब खेल लो इसको। मेरी प्यार से बताई हुई बात समझ में नहीं आई। मैं आई। तुम सब के सब मार खा खरी समझोगी। जल्दी भाग, मरवाएगा क्या? जल्दी कर। लेकिन आगे से कभी किसी असहाय को धमकाने या मारने की कोशिश की तो छुपने के लिए ये जगह भी नहीं मिलेगी। आज के बाद झील के उस पार आने की सोचना भी मत। वैसे भी तुम्हारी इस गुफा का मुंह मैं बाहर से बंद कर दूंगा। हनुमान जी इसी तरह असहायों की मदद और दुष्टों का नाश करते हैं। कहते हैं जो बजरंग बली का नाम लेते हैं उन पर कोई कष्ट या विपत्ति नहीं आ सकती। यानी कि जहां हनुमान वहां डर और बुराई का काम तमाम। तो सब लोग एक साथ बोलो, महावीर हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय बजरंगी जय हनुमाना जय बजरंगी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्मद् दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और देवता चित्तन धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय हनुमाना जय बजरंगी जय हनुमाना जय बजरंगी जय हनुमाना जय बजरंगी जय हनुमाना जय बजरंगी जय हनुमाना जय हनुमान केसरी नंदन पवन सुता Click on the subscribe button to never miss an update from Movie Mania channel. For more movies, subscribe to Movie Mania channel.